हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो लेसन है सेलुलर ऑर्गेनल्स एंड स्ट्रक्चर के बारे में। फर्स्ट जो सेल ऑर्गेनल हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सिस्टम या फिर एक नेटवर्क होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है आउटर कवरिंग, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। और ये नेटवर्क किसका है? फोल्डेड मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क है। इसमें जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो ट्यूबुल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्ने, ठीक है, इनके मेम्ब्रेन्स होते हैं। और यहाँ पर जो सिस्टर्ने वो फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ट्यूबुल्स जो हैं वो ट्यूबुलर शेप के होते हैं, वेसिकल्स सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो जाता है, मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये फ्यूज्ड रहता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड होता है, ठीक है। इट इज द साइट ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस विच इंक्लूड्स सिंथेसिस ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड अदर मटेरियल्स, ठीक है। इट ऑल्सो फंक्शंस एज अ पैकेजिंग सिस्टम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो पैकेजिंग सिस्टम की तरह भी एक्ट करता है। और इस काम को करने के लिए ये अकेला नहीं है, ये वर्क करता है गॉल्गी अपरेटस और राइबोसोम्स के साथ में मिलके, तब ये पैकेजिंग सिस्टम को फॉर्म करता है। सेल टू सेल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिफरेंट देखने में लग सकता है, ठीक है, लेकिन हमेशा ये क्या कर रहा होगा? एक नेटवर्क सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा होगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे अभी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारा दो टाइप का होता है, रफ एंड स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए रफ होता है क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिवर सेल्स के अंदर, एडिपोज सेल्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब दोनों के बीच में हम डिफरेंसेस देख लेते हैं, SER और RER। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं और ये स्मूथ दिखाई पड़ता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं इसलिए ये रफ दिखाई पड़ता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है लिपिड्स का सिंथेसिस करना, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेंटेन्स द कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन इन द साइटोसोल, ठीक है। साइटोसोल के अंदर जो कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन है वो उसको मेंटेन करना भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है, ठीक है। ये साइटोसोल क्या होता है? साइटोप्लाज्म में दो पार्ट होते हैं, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनल्स। तो साइटोसोल जो है वो मैट्रिक्स, हम उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म का मैट्रिक्स है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट ट्रांसपोर्ट्स प्रोटीन्स टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्रोटीन का ट्रांसफर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब हम फंक्शंस देखेंगे। पहले हम ये जो फंक्शन देख रहे हैं वो हमारे सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस हैं, मींस ये जनरल फंक्शंस हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो इट एक्ट एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस एंड बिटवीन वेरियस रीजंस ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है। इट फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग सरफेस एरिया फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। अब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को स्टडी करेंगे। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्टोरेज ऑर्गेनल की तरह वर्क करता है।
ये स्टीरॉयड्स आयंस को स्टोर करता है। फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स के भी फॉर्मेशन में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारा ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन के बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इट ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन इज अ प्रोसेस दैट हेल्प्स ड्रग एडिक्ट टू गिव अप ड्रग्स विद लेस और नो विड्रॉल सिम्टम्स। ठीक है, इट ऑल्सो मेंटेन्स द कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन इन साइटोसॉल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट फंक्शंस एज सिंथेसिस एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, ये प्रोटीन के सिंथेसिस और पैकेजिंग में हेल्प करता है। उसके बाद में जितने भी लाइसोसोमल प्रोटीन्स हैं वो सभी RER में ही फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसके बाद में इट इज द मेजर साइट ऑफ ग्लाइकोसिलेशन। ग्लाइकोसिलेशन क्या है? इट इज एन एंजाइमेटिक प्रोसेस दैट अटैचेस कार्बोहाइड्रेट्स टू प्रोटीन्स और लिपिड्स टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म होंगे, और अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ अटैच होगा तो ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म होंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस को ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं। इट अकर्स इन गॉल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एंड द सेल फ्लूइड इन अ सेल। अब राइबोसोम्स देखते हैं। राइबोसोम्स क्या हैं? ये भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जो लिविंग सेल्स में मिल जाते हैं। अब राइबोसोम्स जो हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी प्रेजेंट मिल जाएंगे। उसके बाद में ये सेल ऑर्गेनल के सरफेस से अटैच भी मिल जाएंगे, जैसा कि आपने देखा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो हैं वो उसके सरफेस से अटैच मिलते हैं, और ये कुछ सेल ऑर्गेनल के अंदर भी मिल जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है और हमारा क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड है उसके अंदर भी राइबोसोम्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स क्या हैं? दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, हेंस दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गॉल्गी अपैरेटस की। ये एक और पैकेजिंग ऑर्गेनल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी था और ये भी है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज रहते हैं पैरेलल। ठीक है, और इन वेसिकल्स को हम यहाँ पर बोलते हैं सिस्टर्न। गॉल्गी बॉडी को कैमिलियो गॉल्गी ने 1898 में डिस्कवर किया था। यूजुअली ऐसा देखा गया कि गॉल्गी बॉडी जो है उसमें 5 to 8 स्टैक्स होते हैं सिस्टर्न के। ठीक है, वेसिकल्स लीव द गॉल्गी बॉडी फ्रॉम वन एंड एंड दे गेट अटैच्ड टू द अदर एंड। एक एंड से वो अटैच होते हैं वेसिकल्स, छोटे छोटे वेसिकल्स रॉ मटेरियल के फॉर्म में जाके गॉल्गी अपैरेटस से अटैच होते हैं, और दूसरे एंड पे वो मैच्योर होके रिलीज होते रहते हैं। प्लांट सेल में जो गॉल्गी बॉडी है, गॉल्गी अपैरेटस है, वो वेल डेवलप नहीं होता है, छोटे छोटे यूनिट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं। ये गॉल्गी बॉडी या गॉल्गी अपैरेटस का स्ट्रक्चर है, डायग्राम बना हुआ है, आप लोग इसको देखिए समझिए। अब फंक्शंस की बात करते हैं। गॉल्गी अपैरेटस जो है वो लिपिड्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ग्लाइकोसिलेशन और फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है। ग्लाइकोसिलेशन आपको बता चुके थे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से अटैच करता है या फिर कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ अटैच करता है। और ये जो दूसरा प्रोसेस है फॉस्फोराइलेशन, इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप प्रोटीन के साथ ऐड होता है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, इसको आउटर चैम्बर भी बोल सकते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर इनर चैम्बर प्रेजेंट होता है, इनर चैम्बर में मैट्रिक्स होता है,
विस्कस फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। इस विस्कस फ्लूइड में डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और हमारा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, फूड के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये एनर्जी जो है वो हमारा एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब हम फंक्शंस देख लेते हैं। तो एक फंक्शन तो आपने डिस्कस कर ही लिया है, दूसरा ये कैल्शियम आयंस के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है। इट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन एपोप्टोसिस और प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म होता है सेल डेथ का, उसमें ये पार्टिसिपेट करता है। और ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोवाइड करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस केमिकल्स सच एज फैटी एसिड, स्टीरॉयड्स एंड अमीनो एसिड्स, ठीक है। लाइजोसोम्स की बात करेंगे अभी। लाइजोसोम्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। यूजली फाउंड इन एनिमल सेल्स और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्गी बॉडी से फॉर्म होते हैं। इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, वो एंजाइम जो कि केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी इनको हम सुसाइड वैक्स भी कहते हैं, क्योंकि जब भी कभी सेल बर्स्ट होता है तो इनके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज होते हैं सेल के साइटोसोल में और उस सेल को ये डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सुसाइड बैग्स या फिर डाइजेस्टिव बैग्स भी कहते हैं। लाइजोसोम्स प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, तो आपको बता दिया गया है कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्गी बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर एक वीडियो ट्यूटोरियल है, आप लोग इसको देखिए और वर्किंग ऑफ लाइजोजाइम्स को समझिए। अभी इस वीडियो में आपने देखा कितना अच्छे तरीके से आपको समझाया गया कि लाइजोसोम्स कैसे वर्क करते हैं। अब हम बात करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स जो हैं वो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड थ्री टाइप के होते हैं, ग्रीन कलर प्लास्टिड्स, कलर्ड प्लास्टिड्स अदर देन ग्रीन, ठीक है, उनको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, एंड कलरलेस प्लास्टिड्स इनको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस या वाइट प्लास्टिड्स होते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। और इनका फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, मतलब इनका फंक्शन है स्टोरेज एंड स्टोरेज ऑफ इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, ये स्टोरेज प्लास्टिड्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो हैं वो कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, इनके अंदर कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं जैंथोफिल्स, ठीक है, कैरोटीन एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर जो प्लास्टिड्स हैं इनमें हमें जो पढ़ना है वो है क्लोरोप्लास्ट डिटेल में,
क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, सिर्फ ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी सभी कलर्स के हो सकते हैं। ये फ्लावर्स लीव्स, फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करते हैं क्रोमोप्लास्ट, और लीव्स को जो कलर मिलता है ग्रीन कलर वो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे भी आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन था वो उसमें फोल्डिंग्स डेवलप थे जिनको क्रिस्टे बोलते थे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, दोनों इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन नॉर्मल है, मतलब स्मूथ हैं, ठीक है, कोई भी फोल्डिंग डेवलप नहीं है। अब इनके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आप देखिए, इनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम बोलते हैं थैलाकोइड, और थैलाकोइड का पूरा जो पाइल है एक स्टैक जो है उसको हम ग्रैनम कहते हैं, और जब दो ग्रैनम को बीच में जो जोड़ता है थैलाकोइड उसको हम स्ट्रोमा लैमिले कहते हैं, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। थैलाकोइड के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के जो दो रिएक्शंस होते हैं उनमें से जो लाइट फेज वाला रिएक्शन है वो थैलाकोइड के अंदर होता है क्योंकि इसी के अंदर क्लोरोफिल है, और जो डार्क फेज है वो स्ट्रोमा के अंदर कंप्लीट होता है। अब हम वैक्यूल्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो वैक्यूल्स जो हैं वो स्टोरेज सैक होते हैं, ठीक है। ये इनका जो मेम्ब्रेन है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल 50 से 90% सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल जो हैं वो या तो प्रेजेंट ही नहीं होंगे, ठीक है, एबसेंट होते हैं, अगर प्रेजेंट होंगे तो स्मॉल साइज के होंगे और लार्ज नंबर में होंगे, और प्लांट सेल में क्या होता है एक या दो हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े ये वैक्यूल्स होते हैं। सेल इंक्लूजन्स की बात करते हैं तो जो भी सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही थी उनके उनके रिजल्ट की वजह से ये सेल इंक्लूजन्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि स्टार्च एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स, वेस्ट मटेरियल्स लाइक गम्स, रेजिन्स, टैनिन्स एंड लेटेक्स, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं सेल इंक्लूजन्स। क्या किया है यहाँ पर, प्लांट सेल और एनिमल सेल को कंपेयर किया है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि पूरा ही ये जो चैप्टर है वो इस वीडियो के बाद में कंक्लूड हो रहा है, तो अभी एनिमल्स और प्लांट सेल के डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम की भी प्रैक्टिस करिए, प्लस इनके डायग्राम बनाते बनाते इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं उनको भी फाइंड आउट करिए कि क्या डिफरेंस हो सकते हैं। ये डिफरेंसेस को हमने सिंपलीफाई करके यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया है, आप लोग इसको स्टडी करिए, ठीक है। कुछ मेजर जो डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है, ठीक है। प्लांट सेल में सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल ये एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल एक होगा, ठीक है, और प्रोमिनेंट होगा मीन्स लार्ज होगा, और यहाँ पर स्मॉल होंगे और टेम्पररी वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होंगे और एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी डिफरेंसेस हैं, आप इनको स्टडी करिए।